carbon and its compound. In this chapter, we will be studying about carbon, its allotropic forms, and hydrocarbons. Basically, this chapter belongs to organic chemistry. Hydrocarbons, all those compounds which contain just carbon and hydrogen are called as hydrocarbons. In this chapter, we'll be studying about hydrocarbons. इसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि उस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होने चाहिए. कोई तीसरा एलिमेंट है तो भी वो हाइड्रोकार्बन रहेगा, लेकिन अगर कार्बन या हाइड्रोजन दोनों में से एक भी नहीं है तो उस कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन्स नहीं कहते. Let us talk about covalent bonds. It's necessary to study what are covalent bonds, क्योंकि carbon always forms a covalent bond. A covalent bond is a bond formed by sharing of electrons between atoms. In a covalent bond, the shared pair of electrons belongs to the valence shell of both the atoms. कि जो electrons covalent bond में involved है, यानी कि शेयरिंग में इन्वॉल्व है, वो दोनों ही एटम्स के लिए काउंट किए जाते हैं. एंड एज यू नो कि कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है. सो दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, इट्स कॉल्ड एज मीथेन. फॉर्मूला इज CH4. एंड हियर वन थिंग मोर यू नीड टू रिमेंबर, दैट इज कोवेलेंसी. दैट व्हाट इज कोवेलेंसी? Covalency is the number of electrons contributed by an atom for sharing is known as its covalency. यानी कि एक एटम के कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में एक्चुअली इन्वॉल्व हैं, क्योंकि सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, और कई बार सारे शेयरिंग में इन्वॉल्व भी होते हैं. सो इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन. सो लेट्स सी the bonding in case of methane. Carbon, as it has four electrons, in case of carbon all the four electrons are involved in sharing. So iski covalency kitni hui fir carbon ki? It is 4. Now let's have a look over here. Hydrogen has the atomic number as 1, has one electrons in the very first shell, and as you know, in the first shell the maximum capacity is 2. So, to become stable, it shares one electron with carbon and forms a single bond with carbon atom. Similarly, one more hydrogen atom is forming a single bond and is involved in covalent bond with a carbon atom. The third hydrogen atom forming a bond with carbon, and the fourth. So, carbon will form only 4 bonds. प्रैक्टिकली अगर आप सोचो कि एक फिफ्थ हाइड्रोजन भी आकर यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा तो वो नहीं करेगा, बिकॉज कार्बन की जो आउटमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए सो दैट इट कैन बी स्टेबल. वो कंडीशन अचीव हो चुकी है जब वो 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्डिंग करेगा. तो यानी कि वो 4 बॉन्ड्स बनाएगा ही बनाएगा, ना 4 से ज़्यादा, और 4 से अगर वो कम बनाएगा तो वो कोशिश में रहेगा कि वो 4 कंप्लीट कर ले, क्योंकि जब तक वो 4 बॉन्ड्स नहीं बना लेगा वो स्टेबल नहीं हो पाएगा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन होते हैं? कि वो कंपाउंड्स जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हों, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड्स में. तो इस तरह के बॉन्ड्स जिनमें होते हैं उनको कोवेलेंट कंपाउंड्स कहा जाता है. तो कोवेलेंट कंपाउंड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? These compounds are molecular in nature. That means they exist as single molecule. तो वो सिंगल मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है या आपने उसको वाटर में डिजोल्व कर दिया. अगर वो कहीं किसी चीज किसी भी लिक्विड में डिजोल्व भी होते हैं तो भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही रहेंगे. These are insoluble in water and soluble in बेंजीन, केरोसिन एंड पेट्रोल. तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं
मेजॉरिटी जो है वो बेंजीन, केरोसिन, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही डिजोल्व होते हैं. देर आर फ्यू एक्सेप्शंस ऑल्सो जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, विल बी स्टडिंग दैट सेपरेटली, बट मोस्ट ऑफ देम दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. बट इन बेंजीन, केरोसिन, एसीटोन, कार्बन डाइऑक्साइड, पेट्रोल, इन सब में इजीली डिजोल्व हो जाते हैं. दीज कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू देम. देयर इज एनी कंपाउंड्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, यू नीड टू रिमेंबर दिस. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स. वन, फिजिकल स्टेट. दे आर जनरली लिक्विड और गैसियस. सम कोवेलेंट कंपाउंड्स मे एग्जिस्ट एज सॉलिड्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल स्टेट, मोस्टली वी फाइंड देम इन लिक्विड और गैसियस स्टेट. फ्यू एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट ऑल्सो, बट मोस्ट ऑफ देम जनरली दे एग्जिस्ट इन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. नाउ सॉल्युबिलिटी. दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट्स, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, टोलीन एटसेट्रा. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. दे जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. फोर्थ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट एबल टू पास थ्रू देम. स्टेप्स फॉर राइटिंग द लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स. क्या क्या स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं. नंबर वन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स. के मॉलिक्यूल जिन जिन एटम से वो मॉलिक्यूल बन रहा है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपने लिखनी है. सेकेंड पॉइंट, आइडेंटिफाई हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड बाई ईच एटम टू ऑब्टेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. दूसरा पॉइंट कि आप ये देखें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में कि आउटरमोस्ट शेल में एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए सो दैट कि वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन कर सके, उसको अचीव कर सके. थर्ड पॉइंट, शेयर द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स इन सच अ वे दैट ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स हैव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. थर्ड स्टेप कि इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स के हैं उनको इस तरह से शेयरिंग करना है आपस में सो दैट कि हर एटम जो है वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर ले, सो दैट एवरी एटम गेट्स स्टेबलाइज्ड. फोर्थ पॉइंट, कीप इन माइंड दैट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड इन द वैलेंस शेल ऑफ बोथ द एटम शेयरिंग इट. फोर्थ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में इन्वॉल्व है वो उन दोनों एटम्स के लिए काउंट किए जाएंगे जो कि उस शेयरिंग में इन्वॉल्व है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नॉन मेटल्स, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट. हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सो इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल. सो व्हाट इज द वैलेंसी, 1. कार्बन सिंबल सी, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 4. व्हाट इज द वैलेंसी, 4. नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 5, वैलेंसी 3. कुड यू अंडरस्टैंड व्हाई 3, बिकॉज नाइट्रोजन नीड्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, बिकॉज इन द सेकेंड शेल मैक्सिमम कैपेसिटी इज 8. ऑक्सीजन सिंबल ओ, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन्स 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 6, एंड दैट्स व्हाई इट हैज अ वैलेंसी ऑफ
2 because it needs two more electrons to complete the second shell. Fluorine, F is the symbol, atomic number 9, electrons 9, electronic configuration 2-7, so the valency is 1 because it needs only one electron to complete the second shell. Phosphorus, P, atomic number 15, electrons 15, distribution of electrons in the shells 2, 8 and 5, valency 3. Sulfur, S, atomic number 16, electrons 16, electronic configuration 2, 8 and 6, valency 2. Chlorine, atomic number 17, electrons 17, distribution of electrons in the shell 2, 8 and 7, valency 1. Argon, atomic number 18, electrons 18, distribution of electrons 2, 8, 8. So valency is 0 because doesn't need any electron because they are inert in nature. They don't react with anybody because they have a stable structure as they are having 8 electrons in the third shell. Carbon forms a large number of compounds because of two unique properties. This is a very common question asked in exams. So you need to remember this. So what are these two properties? One is tetravalency and second is catenation. What is tetravalency? Tetravalency means that it has valency 4. Why does it have 4 valency? Let's try to understand. Atomic number 6, electronic configuration 2, 4, valence electron 4. As it has 4 electrons in the second shell, so it needs 4 more electrons to complete the outermost shell. So carbon needs 4 electrons to attain noble gas configuration, or in other words, carbon has the ability to form 4 bonds with carbon or with atom of other monovalent elements. This is a unique property of carbon. We call it as a self-combining property, that one carbon atom combines with the second, and the second combines with the third, and the third. So there's no end to it. They form very long chains of carbon. This ability of carbon to form long chains is called as catenation. And that is the reason there's a huge number of compounds in hydrocarbon, and every day there's an increase in the number of hydrocarbons. So, and that is the reason that we have a separate branch of chemistry called as organic chemistry, because every year there's a huge number of carbon compounds which is being added. Unique nature of carbon, catenation. Carbon has a unique ability to form bonds with other atoms of carbon, giving rise to a large molecules. This property is called as a catenation. What is catenation is also a very common question asked, and what is the why there is a huge number of hydrocarbons, this is also often asked in the exams. So in the structure you can see that they are going to form long chains, they are going to form a branch chains, they are going to form a closed structure, means ring like structures. So here you can see that there is a branch structure, there is a linear structure over here. This is a closed structure having 3 carbon, this one having 5, this one having 6. So wide variety of number of compounds are there because they form long chain, and that gives a huge number of hydrocarbons to. Organic chemistry is the child of medicine, and however far it may go on its way with its most important achievements, it always returns to its parents.